सो वेलकम टू माई चैनल। मैं बहुत दिन से सोच रहा था वर्डप्रेस के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना, मतलब अगर मैं वर्डप्रेस के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊं तो कम से कम 2-3 घंटा से भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कम से कम 10 पार्ट में इस वीडियो को मतलब ख़त्म करूँ। इसके मेन रीज़न, इंस्टाग्राम में बहुत सारे बंदा कॉमेंट करता है जो नया नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्लगइन, थीम, बहुत सारे सिस्टम होता है वर्डप्रेस में जो उनको समझ में नहीं आता है, और वो गलती से बहुत सारे सेटिंग कर बैठते हैं, बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी वजह से आगे जाकर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों, आज फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। मैं एक एक दो दो ऑप्शन लेके बात करूंगा, फिर पार्ट 10 तक बनाऊंगा मैं सोच रहा हूँ। तो जो बिगेनर हो, जो वर्डप्रेस अभी भी इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस में अभी भी काम करना स्टार्ट किया, उसके लिए वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर पार्ट को गौर से देखना, तो आप बढ़िया करके सीख पाओगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज फर्स्ट पार्ट में जैसे मैं वर्डप्रेस, जैसे आपने, मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करते हो तो फर्स्ट में आपका बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है जी, मैं काम कैसे करूँ, और यूट्यूब वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखने लग जाते हो। तो मैं सोच रहा हूँ जितने सारे यहाँ डैशबोर्ड में जितने सारे सिस्टम आप देख रहे हो, इंक्लूडिंग इसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है, ऑप्शन है, जैसे एलिमेंटर के अंदर है, टेम्पलेट के अंदर है, प्रिंस के अंदर है, प्लगइन के अंदर है, यूजर आईडी का टूल्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, तो बहुत सारे इसमें सिस्टम है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक प्रॉब्लम मेन क्रिएट होता है, मेरा जो साइट का हैकिंग होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, जैसे हैकर क्या होता है, कोई फर्स्ट स्मॉल बिजनेस को टारगेट करता है, मैं ध्यान रखना, तो उसमें मकसद क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन कोशिश तो बहुत करते हैं। जो एक प्लगइन आता है, मैं उस प्लगइन का नाम बता देता हूँ, उस प्लगइन को मैं बहुत, मेरे एक साइड है जिस साइड से मैं इंडिया इंडिया में जो एफिलिएट मार्केटिंग कर, जिस साइड में, तो उस साइड में बहुत सारे बंदे स्कैम करने की कोशिश करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे आपका वेबसाइट सेफ भी रहे और आप वर्डप्रेस बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाए। ओके, तो आज मैं जिस के बारे में, तो सिक्योर योर वेबसाइट। देखो, जे एडमिन प्लान, जैसे मैं, ये मेरा एक डेमो वेबसाइट है जिसमें मैं, मेरा नाम है XYZ और WB एडमिन है। तो आप जैसे मैं यहाँ अगर ओपन करूँ, इसको मैं क्या करूँ, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट। ये जो डैशबोर्ड है, ये जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में आने के लिए आपको वेबसाइट, उसके बाद WP एडमिन डालने से आ जाता है। तो कोई भी, अगर ये WP एडमिन रहे, अगर कोई भी वेबसाइट में आप आ जाओ, कोई भी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो, अगर इस पेज में आ गया तो वो 99% हैक करने का उसका चांसेस रहता है, अगर अच्छा खासा हैकर हो तो। तो इस पेज को अगर मैंने हाइड कर दी तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, मैं क्या डाला, इसमें ईमेल आईडी डाल देता हूँ और इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं पासवर्ड डाल दूंगा। जो पासवर्ड डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये पेज मेरा बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके डालता हूँ पासवर्ड, तो मैंने डैशबोर्ड में दोबारा आ गया। अभी इस जो WP एडमिन को हाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट में पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, पहले सिक्योर करेंगे उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, मैं आपको बता देता हूँ, स्टोन प्लगइन में जाना है, उसके बाद एड न्यू पे जाना है, एड में जब है आपको यह लिखना है रीनेम, रीनेम, रीनेम टाइप करोगे शायद आ जाए, अच्छा आ गया, रीनेम आ गया। तो यहाँ WPS हाइड लॉगिन, ये जो एक्टिव है मेरा, देख रहे हो ना, तो इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लोगे, और इस प्लगइन का देखो 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। आप समझ रहे हो क्यों करता है बंदा, क्यों बंदा कोई भी वेबसाइट का जो एडमिन पेज है, जिसमें लॉगिन पेज बोलते हो, तो उस पेज तक पहुँच ही नहीं पाया। तो ये आपका सिक्योर है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं, फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बताऊँ, सिक्योरिटी, कैसे आपको उस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। और आपको जो जीमेल आईडी यूज करोगे, हमेशा ध्यान रखना उस जीमेल आईडी को 2-स्टेप वेरिफिकेशन करके रखना। अगर आपके पास मोबाइल है तो गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप होता है उसके लिए, उसमें आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन और एक्टिव करके रखना। ठीक है, तो मैं इस प्लगइन में आता हूँ, पहले इसको एक्टिवेट आपको दिखा दिया मैंने, इस प्लगइन पे इसको बाहर आ जाता हूँ। अभी मैं जाऊँगा सेटिंग में, सेटिंग में देखो नीचे, ठीक मेरे जो फोटो दिख रहा है इसके ठीक नीचे WP एडमिन करके आता है, इस प्लगइन पे न्यू टैब में ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं इसमें दिखा देता हूँ, इसमें सारे आपका जीमेल वगैरह डाल दिया, सब कुछ डाल दिया,
इसको सब्सक्राइब यूनाइटेड स्टेट में इसका साइट लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट्स और टाइम अप डाल देना, उसको ठीक नीचे ये आता है डब्ल्यू बी हाइड लॉगिन। देखो ये https xyz ये मैंने डाल करके 85 डाल के रखा, तो अगर आप इस वेबसाइट में आओगे डाल करके 85 डालोगे तो आराम से वो क्या होगा एडमिन पैनल तक बंदा कोई भी बंदा पहुंच सकता है मेरा, ठीक है। अगर ये जो डाल करके मैं 85 डाला, ये तो बहुत ही सिक्योर है ना, तो ये बंदा आइडिया नहीं कर पाएगा और आपकी इस पेज में पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर जो बंदा पहुंचने की कोशिश करेगा उसको कहाँ रिडायरेक्ट URL 404 में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं चेंज कर दूंगा अभी, तो इसको आप हमेशा फर्स्ट में बता रहा हूँ आपका जो साइट है उसमें आप हमेशा सिक्योर रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बताया आपको, जो ईमेल आईडी है उसको आप टू स्टेप वेरिफिकेशन और गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप में सेटअप करके रखना, जिसमें आपका बहुत ही हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो जीमेल को हैक ना कर पाए, ठीक है। दूसरा है आपका डब्ल्यू बी लॉगिन जो प्लगइन आता है रीनेम हाइट प्लगइन, इसको अपनाना तो आपका वेबसाइट सिक्योर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आज मैं नेक्स्ट नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, पार्ट 2, 3, 4 जितना है मैं 8 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, धन्यवाद, और लाइक जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना।